तावड़ू के खोरी बैरे से सवारियां भरकर बिहार जा रहा टेम्पो ट्रेवलर अनियंत्रित होकर पलटा है। एक दर्जन यात्री गंभीर रूप से घायल। भिवाड़ी की सीमा से सटे तावड़ू के खोरी बैरियर से सवारियां भरकर बिहार जा रहा टेम्पो ट्रेवलर अनियंत्रित होकर मथुरा की कोसीकला थाना क्षेत्र में हाईवे के किनारे डिवाइडर से टकरा कर पलट गया। हादसे में भिवाड़ी और तावड़ू थाना क्षेत्र में रहने वाले करीब एक दर्जन सवारियां गंभीर रूप से घायल हुई हैं, जिसमें एक महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है। रविवार रात हुई दुर्घटना के बाद हाईवे पर करीब आधा घंटा जाम लगा रहा, जिसे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर खुलवाया। जानकारी के अनुसार खोरी बैरस पर स्थित कोहली टूर एंड ट्रेवल्स का टेम्पो ट्रेवलर बैरस से सवारियां भरकर बिहार के औरंगाबाद जा रहा था। कोसी कला के अनाज मंडी के पास सड़क पार कर रहे एक बच्चे को बचाने के चक्कर में चालक ने नियंत्रण खो दिया और ट्रेवलर डिवाइडर से टकरा कर पलट गया, जिससे बिहार के औरंगाबाद जिले के खैरी निवासी विजय विश्वकर्मा, भोजपुर जिले के लासारी निवासी प्रद्युमन सिंह, धेलेवर निवासी दिलीप, झारखंड के कलमी टोला निवासी प्रवीण कुमार सहित एक दर्जन यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद ट्रेवलर में फंसे सवारियों की चीख पुकार सुनाई देने लगी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रेवलर में फंसे यात्रियों को बाहर निकलवाया, जिसमें एक महिला यात्री की हालत नाजुक दिखाई दे रही थी। पुलिस ने घायल महिला को केडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया। दुर्घटना के बाद करीब आधा घंटे तक जाम लगा रहा था। हाईवे पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहन को हाईवे से हटवाकर जाम खुलवाया। मथुरा के बठेन गेट पुलिस चौकी प्रभारी अरविंद पुनिया ने बताया कि दुर्घटना में एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई, जबकि अन्य सवारियों को प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया।